आपको अपडेट कर दें, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ पुलिस और बदमाशों के बीच एक एनकाउंटर हुआ है और इस मुठभेड़ में एसपी ग्रामीण को गोली लगी है और साथ ही एसपी बाल बाल बच गए हैं। बदमाशों ने एसपी के सीने पर गोली मारी लेकिन बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से वो बच गए हैं। एसपी ग्रामीण के गंभीर हालत में उन्हें वाराणसी रेफर किया गया है। 1 लाख का इनामी बदमाश था जिससे पुलिस की मुठभेड़ हो रही थी और इसके बाद मुठभेड़ में इनामी बदमाश भीम उर्फ सागर को 5 गोली लगी है, वाराणसी रेफर कर दिया गया है। इसके साथ ही भीम उर्फ सागर, ये जो बदमाश जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, इस पर दिल्ली उत्तर प्रदेश में लूट हत्या डकैती के 38 मामले दर्ज हैं। तो इस एनकाउंटर की यह खबर है जहां पर आजमगढ़ में पुलिस और बदमाश के बीच में एनकाउंटर हुआ, बदमाश को भी गोली लगी है और इसके साथ ही एसपी रूरल को भी गोली लगी है, एसपी ग्रामीण जिन्हें गोली लगी है। हालांकि बुलेट प्रूफ जैकेट उन्होंने पहनी थी और इसीलिए वो बाल बाल बच गए, लेकिन गोली बदमाश को भी लगी है। इस मुठभेड़ के दौरान 5 गोलियां लगी है। इस बदमाश का नाम भीम उर्फ सागर बताया जा रहा है और इस पर कई मामले दर्ज हैं, लूट हत्या डकैती के 38 मामले दर्ज हैं और इसके बाद इसे वाराणसी रेफर किया गया है। आजमगढ़ के एसपी अजय कुमार साहनी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। सर गुड मॉर्निंग, इस एनकाउंटर से जुड़ी क्या डिटेल्स दे पाएंगे सर? हाँ गुड मॉर्निंग जी, ये एक्चुअली कल रात में एक बाइक लूट की सूचना एक व्यक्ति ने 11 बजे दी थी और उस पर पुलिस टीमें बाहर निकली और उस पर पुलिस टीमें निकलने के बाद एक इनकाउंटर हुआ जिसमें एक व्यक्ति ने पुलिस टीम पर फायर किया और उसके बाद काउंटर फायरिंग में उस जो व्यक्ति था उसे जो है 5 गोलियां लगी। हेलो जी सर। हाँ उसे 5 गोलियां लगी हैं और ये व्यक्ति जो है बाद में निकल के बाद सामने आई कि ये दिल्ली द्वारा वांटेड था और 50 के करीब अपराध भी गंभीर मामलों में मुकदमे इससे यूपी दिल्ली और हरियाणा स्टेट में है और 1 लाख रुपए का इनाम इस पे दिल्ली पुलिस की तरफ से रखा गया था तो उसको पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई है हम लोगों को। तो सर इन्फॉर्मेशन के बेस पे इस एनकाउंटर की शुरुआत हुई थी, एसपी ग्रामीण भी घायल हुए हैं, ये भी डिटेल्स मिल रही है? जी जी, उसमें उनकी तरफ से फायरिंग हुई थी, उसमें एक गोली उनकी मेरे बुलेट प्रूफ जैकेट में लगी थी तो बीपी जैकेट होने से वो कोई उसका फर्क नहीं हुआ और जो एसपी ग्रामीण है उनके हाथ में लगी है गोली तो वो भी खतरे से बाहर है। सर इस बदमाश के बारे में कुछ और अगर डिटेल्स दे पाए, क्योंकि 38 मामले दर्ज हैं यानी कि कई मामलों में पुलिस को इसकी तलाश काफी वक्त से मिल रही थी और कुछ स्पेसिफिक इनपुट्स के आधार पर ये एनकाउंटर हुआ होगा सर? जी काफी मामलों में जो है इस बदमाश की तलाश काफी मामलों में थी और कई मामलों में इसकी तलाश में 38 लाख रुपए की लूट इसने दिल्ली में की थी और दिल्ली में एक व्यवसायी की हत्या भी इसके द्वारा की गई थी। उत्तर प्रदेश में भी लूट के कई मुकदमे इसके थे, इन मामलों में ये यहाँ से वांटेड था तो मेनली आजमगढ़ के कई थानों के मामले थे और मैक्सिमम मुकदमे इस पे दिल्ली में है, 2 दर्जन के करीब मामले इस पे दिल्ली में दर्ज किए गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। एसपी अजय साहनी को इस वक्त आप सुन रहे थे और इसके साथ ही ये जो एनकाउंटर हुआ है इसमें बदमाश को भी गोली लगी है जिसके बाद उस बदमाश को वाराणसी रेफर किया गया, 5 गोलियां उसे लगी हैं। कई मामलों में 38 मामले इस पर दर्ज थे अलग अलग जगह से, जिन मामलों में इसकी तलाश थी ये इनामी बदमाश था।